पहले अमेरिका और फिर इंडिया से हारकर पाकिस्तान का सुपर एट में जाने का सपना जो था वो मानो एक अधूरा सपना जैसा लग रहा था। लेकिन फिर इंडिया ने कहा, ओ जी इतना परेशान क्यों होते हो, पड़ोसी हो हमारे यार, माना कि हम अपने आप से जीते नहीं देंगे लेकिन तुमको हम खिलाएंगे और हम चाहते हैं कि तुम आओगे तो फिर इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बढ़ा रहेगा और इसीलिए हम एक धक्का लगाते हैं ताकि तुम्हारे लिए जगह बन पाए। तुम थैंक यू कहते हो पाकिस्तानियों तो अच्छी बात है, नहीं कहते हो तो भी कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं, हमारी जड़ें एक हैं, आपस में लड़ेंगे लेकिन जब दुश्मन बड़ा होगा तो वहां पे तुम्हारे साथ खड़े होंगे। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सुपर एट के ख्वाब जो है वो अभी जिंदा है। हालांकि पाकिस्तान और वर्ल्ड कप में सुपर एट के ख्वाब की हर साल की वही कहानी है कि जी फलानी टीम जो है वो फलानी टीम को हरा दे और फलानी टीम फलाने से हार जाए और हमारा नेट रन रेट जरा सा ऊपर रह जाए ताकि हम जी आगे बढ़ जाए। ये कुदरत का निजाम और ये फलानी टीम वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बीते कई सालों से पाकिस्तान के साथ रहा है, कई बार काम करता है, कुछ बार लटक जाता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये चलता रहता है। वैसे भी पाकिस्तान वो क्रिकेट टीम है जिससे आप उम्मीद करेंगे तो डिसअपॉइंट करेगी और डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो वो आपको शॉक कर देगी, हैरान कर देगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की ये तमन्ना थी कि इंडिया यूएसए को हरा दे, पाकिस्तानी दुआ कर रहे थे कि इंडिया हरा दे, क्योंकि अगर इंडिया और यूएसए का मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता या यूएसए इंडिया को हरा देता तो पाकिस्तान मोस्ट प्रॉब्ली इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। लेकिन अब पाकिस्तान की कहानी आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान सुपर एट में जा सकता है। पाकिस्तान को दुआ करनी होगी कि कैनेडा के साथ जो मुकाबला है वो हो जाए और पाकिस्तान उनको हरा जाए। पाकिस्तान ने हरा दिया, आयरलैंड के साथ जो मुकाबला है वो हो जाए और पाकिस्तान वहां जीत जाए। पाकिस्तान ने कनाडा को हराया था, अब उसे आयरलैंड को हराना है और फिर उसे दुआ करनी है कि जिस आयरलैंड को पाकिस्तान हराएगा वो आयरलैंड उस यूएसए को हरा दे जिसने पाकिस्तान को हराया था। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूएसए वर्सेस आयरलैंड मैच में आयरलैंड के सामने यूएसए भी फेवरेट है क्योंकि यूएसए ने कनाडा को हराया, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया और यूएसए ने 17-16 ओवर तक इंडिया को भी मैच में फंसा के रखा था। अगर सूर्य कुमार यादव वाला कैच पकड़ लिया जाता और वो जो 5 रन एक्स्ट्रा दिए गए थे वो ना जाते तो फिर शायद यूएसए ये मैच जीत भी सकता था इंडिया से, सकता था, पक्का नहीं था, सकता था, क्योंकि इस पिच पर हमने इंडिया को पाकिस्तान को बिखरते हुए देखा है। लेकिन पाकिस्तान का नेट रन रेट जो है वो यूएसए से बेहतर रहा है और पाकिस्तान का नेट रन रेट यूएसए से बेहतर रहकर तब मायने होगा जब यूएसए हार जाएगा। अगर यूएसए गलती से भी आयरलैंड से जीत गया या यूएसए का मैच आयरलैंड के साथ बारिश की वजह से रद्द हो गया या पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया तो पाकिस्तान बाहर हो सकता है। पाकिस्तान के साथ ये फलानी टीम या कुदरत के निजाम की कहानी इसलिए है क्योंकि वो यूएसए से हार गया था और वो वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा अपसेट था, वो 119 रन इंडिया के सामने नहीं चीज कर पाया था। फिलहाल आगे कहानी जो है वो यही है कि यूएसए और आयरलैंड का मैच आने वाला है और इस मैच में यूएसए को हराना होगा अगर उसे आगे जाना, और आयरलैंड को यूएसए को हराना होगा अगर उसे पाकिस्तान को आगे भेजना होगा। अब पाकिस्तान की सारी कहानी कुदरत के निजाम पर है, इंडिया ने तो उसमें मदद कर दी लेकिन क्या आयरलैंड उसकी मदद करेगा, क्या आयरलैंड पाकिस्तान को आगे पहुंचाने के लिए यूएसए को हराएगा? पाकिस्तान का आयरलैंड से मुकाबला 16 तारीख को है, पाकिस्तान को वो मैच जीतना होगा लेकिन वो सारे मैच की बात तब आएगी जब पाकिस्तान आयरलैंड की जीत को देख पाए। अगर आयरलैंड यूएसए से हार गया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इंडिया वर्सेस यूएसए मुकाबला फिलहाल खत्म हो गया है, इंडिया ने यूएसए को हरा दिया है, 7 विकेट से ये हार यूएसए की हुई है। हालांकि हार दिखने में कागज पर बड़ी आसान सी लग रही है लेकिन यूएसए ने इंडिया को अच्छा कंपटीशन दिया था, रोहित विराट को आउट कर दिया था, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी की थी और ये मैच तगड़ा जा रहा था। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया तीसरी टीम है जिसने सुपर एट में क्वालिफाई किया है। पाकिस्तान जो है वो कैनेडा को हरा किया है, 7 विकेट से पाकिस्तान ने भी कैनेडा को हराया था, कैनेडा को यूएसए ने भी हराया था। अब सारी कहानी जो है वो है कुदरत के निजाम, क्या पाकिस्तान यहां सुपर एट में जा सकता है? क्या अमेरिका की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपको लगता है कि अमेरिका आयरलैंड से हार जाएगा? क्या आयरलैंड
पाकिस्तान को भी टक्कर दे सकता है। वैसे आयरलैंड ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान को हराया था, अगर आपको याद हो तो, एक मैच वो हराए थे, दूसरा मैच भी ऑलमोस्ट खींच ले गए। तो पाकिस्तान के लिए राहें इतनी आसान नहीं है, बड़ा लंबा गणित है, फलानी टीम फलाने वाला। तो कुल मिलाकर तीन कहानी है पाकिस्तान को सुपर एट में पहुंचाने की। पहली कि यहां से कोई भी मैच यूएसए का पाकिस्तान का रद्द ना हो, अगर कोई भी मैच बारिश हुए से रद्द हुआ तो पाकिस्तान बाहर हो गया, अगर अमेरिका जीता तो पाकिस्तान बाहर हो गया, पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान बाहर हो गया, और बारिश हुए से मैच तो बाहर हो गया। डू यू थिंक पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगा कुदरत के निजाम के भरोसे, या अमेरिका जिसने पाकिस्तान को हराया है वो ज्यादा डिजर्विंग है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, प्लीज डू कमेंट। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे इंडियन मीडिया का रिएक्शन। शुभांकर मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान की होप अभी बाकी है, क्योंकि सुपर एट में उनके जाने के चांसेस अब ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि भारत की टीम ने उनकी काफ़ी मदद की है, क्योंकि यूएसए को हरा कर उनका थोड़ा बहुत रन रेट भी ख़राब किया। और जब भी कोई टूर्नामेंट आता है पाकिस्तान की टीम को हमेशा से ही इस अच्छे रन रेट की या फिर किस्मत की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले भी कई बार हमने 2-3 वर्ल्ड कप में ये बात सुनते आए हैं कि कुदरत का निज़ाम, यानी कि उनके साथ कुदरत का निज़ाम हमेशा रहता है, और पाकिस्तान की टीम कैसे सोते पड़ते उठते लुटते कैसे भी हो वो सुपर एट में पहुंच जाती है। इस बार भी वो सुपर एट में क्वालिफाई कर सकती हैं। हाँ, थोड़े बहुत सिनेरियो हैं, अब वो पूरे होने जरूरी है। सबसे पहले सिनेरियो तो ये है कि यूएसए को आयरलैंड के खिलाफ मैच हारना होगा, और जो उनका एक मुकाबला बचा हुआ है आयरलैंड के साथ, और वो मुकाबला पाकिस्तान को जीतना होगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम क्या यहाँ से क्वालिफाई करने में कामयाब होती है, क्योंकि उनके साथ हमेशा से कुदरत का निज़ाम होता है, क्या उनका निज़ाम उन्हें इस बार भी साथ देगा, क्योंकि भारतीय टीम ने तो उनकी मदद कर ही दी है कि उन्हें प्लेऑफ के लिए आने के लिए यूएसए को मैच हरा दिया है। भारत भी काफ़ी स्ट्रांग पोजिशन में पहुँच चुका है और वो प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुका है, लेकिन अब रही दो टीमें, या तो अमेरिका या फिर पाकिस्तान या फिर आयरलैंड, इनमें से कोई एक टीम ही दूसरी टीम बनकर जाएगी, क्योंकि इनके पास आयरलैंड के पास दो मैच बचे हैं, पाकिस्तान के पास एक मैच बचा है और यूएसए के पास भी एक मैच बचा हुआ है। अब इन मैचों में से कौन सी टीम क्वालिफाई करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट अभी भी खुला हुआ है, और जिस तरह से भारत की टीम ने उनकी मदद की है उनका एडवांटेज आगे चलकर उन्हें जरूर मिल सकता है। या फ्रेंड्स, आप भी भारत की टीम ने जो पाकिस्तान को हेल्प की है उसके बारे में आप सहमत हैं क्या? आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बार फिर से क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि वो होगा तो टूर्नामेंट का मजा बना रहेगा, क्योंकि अगर बहुत सी टीमें अपसेट कर चुकी हैं, न्यूजीलैंड भी बाहर होने के कगार पर है, श्रीलंका भी बाहर होने के कगार पर है, बड़ी बड़ी टीमें हैं वो बाहर हो रही हैं, और जो नई टीमें हैं वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगी। लेकिन जो भी हो, ये वर्ल्ड कप अभी पूरी तरह से खुला हुआ है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है या नहीं करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ साथ इस वीडियो को यहाँ देखें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपनों का ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।